पीडब्ल्यूडी मार्ग निर्माण के नाम पर हुई खानापूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रदेश सरकार और भारत सरकार मार्ग निर्माण हेतु लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रहे जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर व जिम्मेदार आलाधिकारी, जिनकी खाऊं कमाऊं नीति के चलते मार्ग निर्माण दिन प्रतिदिन बदहाल होता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला सरनी क्षेत्र के अंतर्गत बैरुआ गांव का है, जहां पीडब्ल्यूडी की 600 मीटर मार्ग का शिलान्यास केशव प्रसाद मौर्य, माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों द्वारा श्रीमती सोनिया गांधी, माननीय सांसद रायबरेली का संसदीय क्षेत्र अंतर्गत श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, माननीय विधायक सरनी की गर्मामयी उपस्थिति में दिनांक 14/9/2021 दिन मंगलवार को 34,61,000 से पारित की। पीडब्ल्यूडी मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि मार्ग बनने के मात्र 7 महीने में बाइक को मार्ग में स्टैंड अप करते ही मार्ग के धंसने की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसे आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह इस मार्ग का निर्माण किया गया होगा। ऐसे में देखना यह है कि लापरवाह जिम्मेदारों पर सरकार कोई एक्शन लेती है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा धांधली का रवैया और ऐसे ही जिम्मेदार कॉन्ट्रैक्टर करते रहेंगे सरकारी धनराशि का बंदरबांट। संवाददाता श्रवण कुमार रायबरेली। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। पिता का नाम? जगवंत प्रसाद। कौन सा गांव है ये? बैरुआ। क्या मामला है यहाँ पे रोड को लेकर? यहाँ पर तो रोड धसने लगती है। अच्छा, कब बनी थी? कोई सामान खड़े कर दो तो धस जाती। अच्छा, जैसे कि? जैसे कि मतलब ये बने हुए इसको 6-7 महीने हो गए। जी जी, 6-7 महीने हो गए जी। तो जैसे कि क्या खड़ी करते हो, बाइक वगैरह खड़ी करते हो तो क्या धसती है कि नहीं? हाँ धसती है। अच्छा, कब बनी थी रोड? ये 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए।